हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे जिसे छोटी परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। श्री गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत यहीं से श्री गोवर्धन जी के दर्शन करने के बाद होती है। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले पूंछड़ी का लोटा नामक मंदिर स्थित है। पूंछड़ी का लोटा को भगवान कृष्ण का सखा भी कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान यहाँ पर आशीर्वाद लीजिए और चल दीजिए अगले पड़ाव की ओर। थोड़ी ही दूर जाने पर आपको मिलेगा श्री चक्रेश्वर महादेव का मंदिर। यह मंदिर कृष्णकालीन है। भगवान शंकर यहाँ पंच शिवलिंग में विराजमान है। यहीं से थोड़ी दूर चलने पर आएगा श्री राधा कुंड। ये है राधा कुंड जाने का रास्ता जो गलियों से होकर गुजरता है। अब हम राधा कुंड पहुँच गए हैं। राधा कुंड बहुत ही सुंदर है और इस कुंड की अपनी विशेष महत्वता है। परिक्रमा के दौरान राधा कुंड के दर्शन करिए और जल का छींटा लगाइए और राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री राधा कुंड के दर्शन करने के बाद हम चल दिए श्री गिरिराजी पर्वत की ओर। गिरिराजी पर्वत वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। यहाँ गिरिराजी पर दूध का अभिषेक होता है। दूध का अभिषेक करने के बाद भगवान से आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। श्री गिरिराजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए मानसी गंगा, जो हमारी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है, तभी से इसको मानसी गंगा के नाम से जाने जाने लगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है मानसी गंगा। भक्त यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और जल के छींटे लगाते हैं। इस गंगा का बहुत ही महत्व है। स्नान करने के बाद जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ भी गिरिराजी पर्वत स्थित हैं जहाँ दूध का अभिषेक होता है। ये पूरी परिक्रमा हमने ई रिक्शा के माध्यम से की। आप देखेंगे तो यहाँ परिक्रमा करने के लिए पैदल भी बहुत यात्री आते हैं। ये सारा जो आप देख रहे हैं पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बनाया गया है, जो बहुत ही सुगम मार्ग है। भक्त यहाँ पर पैदल भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ई रिक्शा के माध्यम से भी अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला आपसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति इस परिक्रमा के लिए लेगा और पूरी परिक्रमा आपको 2 से 2.5 घंटे में करा देगा। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्ण मुरारी।